देश और दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचे। मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट कर रहे साफ, ये लापरवाही पड़ रही है भारी। एक एड फर्म में काम करने वाले अभिजीत दास जब रात को गहरी नींद में सो रहे थे, इसी दौरान उनके खाते से 1.4 लाख रुपए साफ कर दिए गए। धोखाधड़ी करने वालों ने बड़ी चालाकी से उनके खाते से ये पैसे निकाल लिए। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक रात को जब ये फ्रॉड हुआ तो अभिजीत को कई मैसेज आए। इसमें पिन बदलने के लिए ओटीपी समेत बेनिफिशियरी ऐड करने व फंड ट्रांसफर की जानकारी भी आई। इससे आशंका जताई जा रही है कि पीड़ित का सिम क्लोन कर इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया। लेकिन धोखाधड़ी करने वाले इसी तरीके से नहीं, बल्कि वे आपके मोबाइल नंबर की बदौलत दूसरे तरीकों से भी फ्रॉड कर रहे हैं, जिसको लेकर अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो आपको लाखों रुपये की चपत लग सकती है। आधार वेरिफिकेशन के नाम पर फ्रॉड। आपको मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और सामने वाला कहता है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है और जल्दी लिंक नहीं किया तो आपका सिम बंद हो जाएगा। इस दौरान वह आपको एक नंबर देता है जिसे आपको 121 पर भेजने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप उस नंबर को 121 पर भेजते हैं, वैसे ही आपका बैंक अकाउंट साफ कर दिया जाता है। कई लोगों को इसके जरिए लाखों रुपये की चपत लग चुकी है। कैसे बचें? इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप तब तक कोई भी नंबर 121 पर न भेजें जब तक आपके पास उस नंबर का फिजिकल सिम मौजूद न हो। और याद रखिए, सिम आधार से लिंक 121 पर कोई नंबर भेजने से नहीं होता। इस तरीके से भी होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी करने वाला टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनकर आपको फ़ोन करता है और वह कहता है कि आपके मोबाइल नंबर को अपडेट करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको अपने मोबाइल को कम से कम आधे घंटे के लिए बंद करना होगा। आप बिना कोई वेरिफिकेशन किए मान जाते हैं। आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर बंद करते हैं, आपके घर फोन जाता है कि आपको किडनैप कर लिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द फिरौती की रकम खाते में भेजने के लिए कहा जाता है। इस दौरान आपके घर वाले आपके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका मोबाइल नंबर बंद आता है और इस तरह परिवार को भी विश्वास हो जाता है कि आपका किडनैप हो चुका है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने इसे वर्चुअल किडनैपिंग का नाम दिया है। जब कभी भी आपको ऐसा कोई कॉल आए तो फोन स्विच ऑफ करने से पहले खुद अपनी टेलीकॉम कंपनी को फोन करें और इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।